मैं प्रमोद कुमार, अनुदेशक, UPS दिलावरपुर। हम अपनी सरकार से कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों का वेतन जो है 9000 कर दिया है, ये हमारे लिए एक सम्मानजनक जो है रहा। लेकिन हम अपनी सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारी सरकार, हम इतने दिनों से जो है अपना जीवन यापन इतने कम में कर रहे हैं, हम लोगों को जो है नियमित करने की कोशिश करें सरकार, तभी हमारा जो है कल्याण होगा। हम बहुत ही आर्थिक स्थिति से परेशान हैं आज की इस महंगाई में। हम अपनी सरकार से बार बार जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोगों को भी जो है एक अच्छी स्थिति में लाकर एक अध्यापक की श्रेणी में एक अध्यापक की नज़र से देखने की कोशिश करें। आपके नियमितीकरण को लेकर कोई ऐसी शैक्षिक समस्या या योग्यता में कोई कमी? नहीं सर, हमारी योग्यता, हम लोगों की सबकी योग्यता जो है अच्छी, एक शिक्षक के बनने की योग्य है। और हम लोग जो है जिस बेस पे भर्ती हुए हैं, हमारी योग्यता वो भी कम नहीं है। पर हम अधिकतर अनुदेशक बंधु जो हैं और हमारे अनुदेशक बहनें जो हैं BEd, BTC, BPed, एक शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। आप अपने विषय के अलावा अन्य विषय भी पढ़ते हैं? जी, जब से हम लोग विद्यालय में पहुँचे हैं तब से जो है विद्यालयों की स्थिति में निरंतर जो है सुधार हुआ है। हर रोज़ जो है विद्यालयों में जो अपने विषय के साथ साथ जो है अन्य विषय को भी पढ़ाते हैं। जैसे कि हम ही हैं, अपने विद्यालय में जो है प्रतिदिन एक मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास लेते हैं, हमारी हॉबी है। विषय के सिवा जो है ये पढ़ाए बिना रहा ही नहीं जाता है। तो हमारे सभी अनुदेशक बंधु जो हैं अच्छा पढ़ाते हैं, पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट तक देखते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आपको शिक्षक छात्र अनुपात में जोड़ा है, क्या आप धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे? जी, हम शिक्षा मंत्री श्री संदीप कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं और कहना चाहेंगे कि आप हमारी मांगों को सुनें और हम लोगों को नियमितीकरण करें, जैसे कि हम लोग भी जो है एक सम्मानजनक स्थिति प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।